तो दोस्तों आईपीएल 2024 में आज हम एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला में कोलकाता नाइट बनाम राजस्थान रॉयल के बीच ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल के शानदार जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आईपीएल 2024 का नया पॉइंट्स टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना अंक है और कौन सी टीम के पास कितना चांस है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इस वीडियो में आपको ये सभी जानकारी हम आपको बताने वाले, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है का, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी आईपीएल के एक बड़े वाले फैन, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप आईपीएल 2024 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो बढ़ते आगे, आईपीएल 2024 के नए पॉइंट सेल के मुताबिक पॉइंट सेल पे जो आखिरी पोजीशन पर है वो है फाफ डुप्लेसी कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 7 मुकाबले खेले गए, जिनमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली और 6 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रेटेड हमें -1.185 का देखने को मिल रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 7 मुकाबले में से 7 मुकाबला जीतना जरूरी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अगला मुकाबला हमें 21 अप्रैल को कोलकाता नाइट के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे 2 9वें पोजीशन पर है वह ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से दिल्ली कैपिटल को 2 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रेटेड में -0.975 का देखने को मिल रहा है। वही दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वह दिल्ली कैपिटल का अगला मुकाबला में 17 अप्रैल को गुजरात टाइटन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है वह हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से मुंबई इंडियन को सिर्फ 2 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में मुंबई इंडियन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रेटेड में -0.234 का देखने को मिल रहा है। वही मुंबई इंडियन को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही मुंबई इंडियन का अगला मुकाबला में 18 अप्रैल को पंजाब किंग के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है वह शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग। पंजाब किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पंजाब किंग को सिर्फ 2 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में पंजाब किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रेटेड में -0.218 का देखने को मिल रहा है। पंजाब किंग को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही पंजाब किंग का अगला मुकाबला में 18 अप्रैल को मुंबई इंडियन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 6वें पोजीशन पर है वह सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से गुजरात टाइटन को 3 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में गुजरात टाइटन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 6 पॉइंट है, उनका नेट रेटेड में -0.038 का देखने को मिल रहा है। गुजरात टाइटन को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। गुजरात टाइटन का अगला मुकाबला में 17 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 5वें पोजीशन पर है वह केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से लखनऊ सुपर जायंट को 3 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 6 पॉइंट है, उनका नेट रेटेड में +0.38 का देखने को मिल रहा है। लखनऊ सुपर जायंट को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए
अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही लखनऊ सुपर जन का अगला मुकाबला में 19 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेल तो बना जाएगा। वही पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है वही पैड कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से हैदराबाद को 4 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स से अब उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में +0.502 का देखने को मिल रहा है। वही सनराइजर हैदराबाद को प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। हैदराबाद का अगला मुकाबला में 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेल तो बना जाएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वही ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग को 4 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स के अब उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में +0.769 का देखने को मिल रहा है। वही चेन्नई सुपर किंग को प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। वही चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला में 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेल तो बना जाएगी। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है आज का मुकाबला हारने वाली टीम कोलकाता नाइट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से कोलकाता नाइट को 4 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में कोलकाता नाइट को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। वही कोलकाता नाइट को प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। वही कोलकाता नाइट का अगला मुकाबला में 21 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है आज का मुकाबला जीतने वाली टीम राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 7 मुकाबले खेले गए, जिनमें से राजस्थान रॉयल को 6 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट से उनके पास 12 पॉइंट है। उनका नेट एरिया में प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। राजस्थान रॉयल को प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 7 मुकाबले में से सिर्फ 2 मुकाबला जीतना जरूरी। राजस्थान रॉयल का अगला मुकाबला में 22 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल तो बना जाएगी। ये थी आईपीएल 2024 का आज का नया पॉइंट टेबल। आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 में कौन सी 4 टीम रहने वाली है जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।